मुन्ना भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ यानी कि कक्षा पांच का पाठ अनोखी सूझ यानी कि अनोखी समझदारी। बच्चों इस पाठ में क्या होता है, दानव और भगवान यानी कि ना भगवान और राक्षस दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि हम दोनों में से समझदार कौन है, और वो किसके पास जाते हैं, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी हम दोनों ही आपकी औलादे हैं, आप हमें बताओ कि हम दोनों में से सबसे समझदार कौन है और हम दोनों में से किसकी सूझ सबसे अच्छी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। बात पुराने जमाने की है यानी कि बात बहुत पहले के समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, और उन दिनों मतलब बहुत पुराने समय की बात है। उस समय में देवता यानी कि भगवान और दानव यानी कि राक्षसों के बीच में युद्ध यानी कि लड़ाइयां होती रहती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। बच्चों प्रजापति का अर्थ होता है ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि को रचा है यानी कि दुनिया को जिसने बनाया है। वह दोनों पक्ष यानी कि दानव और देवता दोनों ही एक बार मिलकर कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर बोले, और मतलब दानव और देवता दोनों वहां जाकर बोले, मान्यवर यानी कि प्रजापति को बोले संबोधन करते हुए, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान है। मतलब बच्चों भगवान और राक्षस दोनों ही ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हम दोनों आपकी संतानें हैं, औलादे हैं, बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। और वह दोनों ही मतलब ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप बताइए हम दोनों ही आपकी औलादे हैं और हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ यानी कि किसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए यानी कि उन दोनों की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे। और वह मन ही मन सोचने लगे, ब्रह्मा जी किसे बड़ा बताऊं, कि मैं किसे बड़ा बताऊं, अगर मैंने देवता को बड़ा बता दिया तो दानव नाराज हो जाएंगे या वो झगड़ा करेंगे, या अगर मैंने राक्षसों को बड़ा बताया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, वो झगड़ा करेंगे, देवताओं को या दानवों को, मतलब उन्हें वो परेशान हो जाते हैं कि मैं किसे बड़ा किसे बुद्धि में श्रेष्ठ बताऊं, दानवों को या देवताओं को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ यानी कि अगर मैंने देवताओं को बड़ा बताया तो दानव नाराज हो जाएंगे यानी कि राक्षस नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाएंगे, और यानी कि मैंने राक्षसों को बड़ा बताया तो देवता यानी कि भगवान नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि तब दोनों आपस में झगड़ने लगे, और हो सकता है कि अगर मैंने दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया बुद्धि में तो वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए यहीं पे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था यानी कि बहुत ही कठिन प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि हम बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोच कर वे बोले, मतलब उन्होंने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर वह बोले, इसका उत्तर कल दूंगा कि मैं यह कल बताऊंगा कि आप दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है या फिर किसकी बुद्धि बड़ी है। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। और ब्रह्मा जी उन दोनों को ही अपने घर पे भोजन करने के लिए आमंत्रित यानी निमंत्रण दे देते हैं कि कल आप दोनों यहाँ भोजन करने आपको आना है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कल मैं इसका उत्तर कल दूंगा, आप मेरे घर पे कल भोजन के लिए आमंत्रित हैं और मैं भोजन के बाद ही यानी कि आपको मैं खाना खिलाने के बाद ही ये निर्णय लूंगा कि हम आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे, और दूसरे ही दिन देवता और दानव यानी कि भगवान और राक्षस वहां पर खाना खाने के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, और उन दोनों को क्या किया, जैसे दानवों को एक कक्ष में बिठा दिया और देवता को एक कक्ष में अलग अलग भोजन करने के लिए बिठा दिया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए, और वहां पे मिठाइयों से भरे थाल यानी कि जो थालियां उसमें बहुत सारे मतलब मिठाइयां रख रख के उनके कमरों में भिजवा दिया अलग अलग। प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में गए, और ब्रह्मा जी सबसे पहले राक्षसों के कमरे में गए। उन्होंने राक्षसों से कहा, आप लोग भोजन करें, कि आप लोग भोजन करना शुरू कर दें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना होगा। बच्चों सबसे पहले उनको बुलाते हैं और अलग अलग कमरों में बिठा देते हैं, फिर वे बोलते हैं कि आप भोजन कर सकते हैं, शुरू कीजिए, लेकिन आपको भोजन करते समय अपनी कोहनी को यानी अपने हाथ का जो ये हिस्सा होता है उसे टेढ़ा नहीं करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही, और उसके बाद में वह देवताओं के कमरे में गए और उन्होंने यही बात देवताओं को कही कि आप भोजन करना शुरू कर सकते हैं।
लेकिन आपको भोजन करते समय अपने हाथ की कोने को मतलब इकट्ठा नहीं करना है या ऐसे टेढ़ा नहीं करना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, यानी कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों यानी कि दानव और देवता दोनों परेशान हो गए कि बिना कोने को टेढ़ा करे हम भोजन कैसे कर सकते हैं। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी वो एक दूसरे को देखने लगे और वो चौंक गए कि हम ऐसे भोजन कैसे करेंगे। समस्या थी खाए तो खाए कैसे, और समस्या मतलब परेशानी ये थी कि अब हम भोजन करें तो करें कैसे बिना कोने को टेढ़े किए हुए। कोने नहीं मुड़नी चाहिए और ऊपर से कोने और नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन कैसे करें। भोजन भी नहीं बचना चाहिए और ब्रह्मा जी ने यह शर्त रख दी कि हमें भोजन को मतलब उसमें नहीं छोड़ना है, पूरा उसे समाप्त करना है। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए और ब्रह्मा जी की आज्ञा यानी कि आदेश का भी पालन होना चाहिए। मतलब बच्चों को देवी और देवी दानव और देवता दोनों परेशान हो गए कि हम भोजन करें तो करें कैसे, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऊपर से शर्त यह भी थी कि उसमें भोजन जो है जो मिठाइयां उन्होंने थाल में भेजी थी उन्हें छोड़ना भी नहीं है, मतलब उन्हें पूरा खत्म करना था। देवताओं ने एक उपाय सोचा और देवताओं ने एक उपाय सोचा कमरे के किवाड़ बंद कर दिए और देवताओं ने क्या किया जो कक्ष में उन्हें बिठाया गया था देवताओं को उसे बंद कर लिया, यानी कि दरवाजा किवाड़ यानी होता है बच्चों दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। आमने सामने बैठ गए और देवताओं ने क्या किया वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे और बच्चों देवता ने क्या किया कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर एक दूसरे को खिलाने लगे, मतलब लड्डू कोनी को टेढ़ा नहीं करना कर सकते थे वो तो वो खुद नहीं खा सकते थे, उन्होंने क्या किया सामने वाला एक दूसरे को आमने सामने से वो खिलाते रहे एक दूसरे के मुंह में देते रहे। कुछ देर में थाल साफ होगा और देखते ही देखते देवताओं ने सारी मिठाइयां खा ली, सारे लड्डू समाप्त हो गए और देवताओं के सारे लड्डू खत्म हो चुके थे और न वो हल्ला न शोरगुल, और वहां पे देखा उन्होंने कि देवता बहुत शांति से खा रहे थे, वो एक दूसरे को खिला रहे थे, मतलब उन्होंने कोनी में टेढ़ी नहीं करनी पड़ी, एक दूसरे के मुंह में वो डाल रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस कक्ष से ना कोई आवाज आ रही थी ना कोई शोर हो रहा था। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया और देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया और दानव अपने कमरे में परेशान थे और दानव जो थे यानी कि जो राक्षस थे वो अपने कमरे में बहुत परेशान हो रहे थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए और दानव यानी कि राक्षसों ने सोचा कि हम यहाँ बेकार में ही आए हैं, अगर नहीं आते तो यहाँ परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती और अगर हम नहीं आते यहाँ पे तो हमें परीक्षा नहीं देनी पड़ती, यानी कि हमारे सामने मिठाइयाँ रखी है और हम उसे खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा और जिससे कि ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं होगा, तो हमें मिठाइयाँ भी खानी है कोनी भी नहीं टेढ़ी करनी है और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन भी करना है। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी और वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं आते तो परीक्षा नहीं देनी पड़ती लेकिन अब आ गए हैं हम तो हमें परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। परीक्षा तो दानवों ने भी किवाड़ बंद कर लिए और दानवों ने क्या किया यानी कि राक्षस ने अपने किवाड़ यानी कि दरवाजे उन्होंने भी बंद कर लिए, लड्डू के थाल पर टूट पड़े और वो लड्डू की थालियों पर टूट कर एक दूसरे में झपटने लगे फैलाने लगे, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे, उन्होंने क्या किया लड्डू को ऊपर उछाला और जब नीचे आता लड्डू तो मुंह खोल कर लपकते और जैसे ही लड्डू ऊपर उछालते नीचे आता तो वो मुंह से उसे लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते और लड्डू अगर मुंह में नहीं आता तो नीचे गिर जाता तो वह चूर चूर हो जाता। कमरे से हो की आवाज की आवाजें आती रही और कमरे से चिल्ला चोट या शोरगुल होता रहा, शोर की आवाज आती रही, चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे और वो जो दानव जो राक्षस थे वो आपस में चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे, मतलब अंदर ही अंदर। सारी स्थिति स्पष्ट थी, प्रजापति ने कहा कि देवता ही स्पष्ट है और सारी स्थिति साफ साफ हो गई थी और प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ यानी कि जो भगवान है वही बुद्धि में श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने क्या किया था एक दूसरे को मिल बांट कर वो लड्डू खा लिए थे और जबकि दानवों ने क्या किया उन लड्डू को ऊपर उछाला और नीचे जैसे लड्डू आते मुंह खोलते तो नीचे गिर जाते और चूर चूर यानी कि खराब हो गए सारा और हो गल्ला कमरे से शोरगुल की आवाज आई, उन्होंने भाईचारे का पालन नहीं किया, उन्होंने वहां पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सरकार की भावना से काम लिया, यानी कि उन्होंने आपस में आपसी समझ से आपसी सूझबूझ से काम लिया, देवताओं ने खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, उन्होंने किस भावना से सहकार की भावना से काम लिया और उन्होंने खुद भी लड्डू खाए और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो इसका, और इन्होंने कहा है कि जियो जी यानी खुद भी अपनी चुपचाप शांति से जियो और किसी को परेशान भी मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा
करो यानी कि किसी और को भी जीने दो। यह थी इनकी विशेषता, यह थी देवताओं की विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया और ये जो देवताओं थे उन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई और आपसी समझदारी दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, इन्होंने क्या किया देवताओं ने, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और एक दूसरे को भोजन कराते रहे, लड्डू खिलाते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गया और देखते ही देखते थोड़ी देर में लड्डू थे वो समाप्त हो गए, यानी कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया और एक दूसरे और एक कोनी भी नहीं टेढ़ी हुई और प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन भी किया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया और दूसरी तरफ राक्षसों ने भी शर्त का पालन किया, उनकी आज्ञा मानी ब्रह्मा जी की। लड्डू उछालते रहे, लड्डू को ऊपर उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे और उन्हें लड्डू को खाने के लिए वह लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए और न वो लड्डू खुद खा पाए न किसी दूसरे के खाने के लायक रहे, यानी कि वो खराब हो गए, जैसे नीचे गिर गए तो चूर चूर हो गए यानी कि खराब हो गए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा और उन लोग के लड्डू तो खराब हुए लेकिन दानवों का पेट भी नहीं भरा, अंत में वो बहुत परेशान हुए। शिक्षा संकेत, बच्चों हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है या बल है। इसके लिए संस्कृत में एक शुक्ति है और इसके बारे में संस्कृत में एक शुक्ति कही गई है, बुद्धि यस्य वस्य तस्य बल बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है और इस कहानी के अनुसार यानी कि सूक्ति के अनुसार देवताओं का यानी पौराणिक यानी कि पुराने जमाने की कहानियों में उनके जीतने का या उनके युद्ध जीतने का यही कारण बताया गया है कि उन्हें बुद्धि थी और बल, इसीलिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया और अपने बल को अच्छी जगह अच्छी तरीके से प्रयोग किया, इसीलिए वे हमेशा दानवों यानी कि राक्षसों से जीत गए। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देखकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से भी अन्य प्रसंग देकर यानी कि अन्य उदाहरण देकर बहुत सारे बुद्धि की महत्व यानी बुद्धि के महत्व और सूझबूझ मतलब आपसी समझदारी यानी बुद्धि का उपयोग कर आपसी समझदारी का सही प्रयोग कर बुद्धि के महत्व को स्पष्ट किया जाता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि की मनुष्य का साथ देती है जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारे और विशेषकर यानी कि ज्यादातर महत्व रखती है बुद्धि हमारे बुरे समय में, जो हमारा बुरे समय होता है उसमें बुद्धि ही साथ देती है और जीवन तक इस सत्य को अवश्य उभारे और हमें अपनी इस बुद्धि की जो शक्ति है उसे हमेशा उभारना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और हमें कभी भी अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपसी समझ से हमें आपसी समझ से सभी बातों को या किसी भी कोई बात हो जाती है तो उसे सुधारना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए क्योंकि जो काम बल से नहीं हो सकता वो बुद्धि से हो सकता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आपसी सोच से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपना बल का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ बल की जरूरत हो, हमें किसी से फालतू में या अव्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमने आज पाठ पढ़ा आपसी सूझ या अनोखी सूझ, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। मान्यवर यानी सम्मान सूचक संबोधन, ब्रह्मा प्रजापति सृष्टि को रचने वाला, शांति पूर्वक शांति के साथ, मिठाई या मीठा अन्न, मुंह ताकना यानी देखते रहना और टूट पड़ना या झपटना। तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्लास फिफ्थ का पार्ट पांचवा अनोखी सूझ। अगले अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।